क्या कहना चाहेंगे फिल्म मरजावा के बारे में? मरजावा मैंने देखी, वन टाइम वाचिंग है, एक बार देख सकते हो। लेकिन इस टाइप के जो स्क्रिप्ट हैं वो पहले भी काफ़ी आ चुकी है, और मतलब नॉर्मल हर स्क्रिप्ट में ऐसा ही होता है, कोई विलेन होता तो वही सब चीज़ें होती, कोई लाइफ में लड़की आती है और फिर उसकी लाइफ चेंज होती है, वो सुधर जाती, तो वही सब चीज़ वही फील, पुराना घिसा पिटा फार्मूला है। और एक्टिंग की बात की जाए तो रितेश देशमुख ने मतलब अच्छा काम किया अपने लाइफ में, मतलब बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर किया उन्होंने। सिद्धार्थ मल्होत्रा बट ठीक है, एक मॉडल है, आई थिंक ही इज नॉट एक्टर। से वो जो एक मासूमियत जो लगी है वो मासूमियत अच्छी लगी, बाकी एक्टिंग में तो सारे उनके डायलॉग सारे आपको सभी को पता वॉइस ओवर में ही गए हैं सभी, बाकी स्वीट लगी हैं। म्यूजिक म्यूजिक में एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे तुम्ही आना और जो नूरा फतेही का जो सॉन्ग था वो बहुत अच्छा सॉन्ग था। और एक्शन के बारे में क्या कहेंगे? एक्शन तो आई थिंक ये बहुत पहले हम काफ़ी देख चुके हैं, एक्शन तो ऐसा है नहीं कि ले भाई कुछ नया देखने जा रहे हैं, एक्शन बहुत देख चुके हैं। लेकिन हाँ, इस फिल्म का रितेश देशमुख को बहुत बेनिफिट मिलेगा, उसने बहुत ही लाजवाब काम किया। टू कौन सी फिल्म देखी आपने सर? क्या तो मैंने अभी मरजावा देखी। क्या खास लगा फिल्म? मरजावा ये खास थे, इसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, एंड आई थिंक रितेश देशमुख थे वो फैबुलस थे। रितेश देशमुख सर ने एक्टिंग जो करी है, जो उनके पंच थे वो बहुत अच्छे थे मेरे हिसाब से। कहानी कैसी लगी आपको? कहानी बहुत अच्छी थी, मतलब जब हमने ट्रेलर देखा था तो लग रहा था कि प्रेडिक्टेबल मूवी है, बट जो उन्होंने ट्विस्ट डाला है वो दैट वाज वेरी गुड। केमिस्ट्री बिटवीन तारा एंड सिद्धार्थ, आई थिंक थोड़ा और अगर इसको लंबा खींचते, बिकॉज उन्होंने बहुत जल्दी एंड कर दिया उनकी केमिस्ट्री को, बट इट वाज गुड। दे आर लुकिंग टू स्वीट। सॉरी, म्यूजिक वाज रियली गुड, मतलब दोनों ही गाने, दोनों तीनों गाने जितने भी गाने थे वो बहुत अच्छे थे, एंड वो सीन्स पर जा रहे थे, so that's why the music was really good. Who steals the show, Ritesh or Siddharth? Ritesh sir was fabulous. He was like, मतलब जो एक विलन के बाद से उनकी एक्सपेक्टेशन थी ना, वो उन्होंने और अच्छे से दिखाई यहाँ पर। 2.5। कैसी लगी फिल्म मरजावा? हाय, मैं मरजावा वाली फीलिंग है, क्योंकि बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी थी और काफी अच्छी है, और काफी एक्शन वगैरह दिखाया हुआ है तो अच्छे है, और काफी हीरोगिरी वाली मूवी है। और सेकेंड मूवी के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा काम किया। म्यूजिक तो हमेशा से जैसे रिलीज हुए थे तो सबको बहुत पसंद आए थे, तुम जाना तो इस बार फेवरेट। कहानी तो बहुत ही अच्छी है, लव स्टोरी है, काफी इंटेंस लव स्टोरी है, तो मतलब दर्द भरी वाली स्टोरी है, तो अच्छी है। सर क्या कहना चाहेंगे मरजावा? मरजावा बहुत ही बुरी फिल्म है, बकवास फिल्म है, और मुझे तो बकवास ही लगी, और इसमें ज़्यादातर इसका नाम बेवकूफिया होना चाहिए था मरजावा की जगह पे। ऐसा देखा जाता है कि ऐसी फिल्म मोस्टली मासिस के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मासिस के लिए भी इतना एंटरटेनमेंट है ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म सैड और डिप्रेसिंग है। तो हाँ, मुझे तो कुछ भी इसमें पैसा हो सकता तो किसी एंगल से नहीं लगी। दो परफॉर्मर हैं, एक सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, रितेश देशमुख हैं, वो द बेटर एक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग में तो वैसे जनरली रितेश बेटर है, लेकिन ये फिल्म में दोनों डिसअपॉइंटेड हैं। सिद्धार्थ का ऐसा है कि उसको एक्टिंग वैसे इतनी आती नहीं है, वो हीरो जैसा दिखता है लेकिन वो एक्टिंग स्किल्स है नहीं, और रितेश देशमुख भले ही वो डिसेंट एक्टर है लेकिन यहाँ पे वो एक ही चीज़ करते आते पूरे फिल्म में, तो वो और उनका कैरेक्टर भी बहुत अजीब सा है, तो हाँ उन्होंने भी डिसअपॉइंट किया है। सिर्फ तारा सुफिया का काम अच्छा है। ओके, 2019 चल रहा है, और आपको लगता है कि 1990 की कहानी कहने की कोशिश की आप? जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत आउटडेटेड कहानी है, ये इस ज़माने में क्यों बनाई गई वो पता नहीं, लेकिन वैसे देखा जाए तो 90 के दशक में भी ऐसी फिल्में जो बनती है वो एटलीस्ट एंटरटेनमेंट देती थी, इसमें वो भी नहीं हुआ। बात करने के लिए शुक्रिया। वन या वन एंड थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे फिल्म मरजावा के बारे में? इसका बेस्ट पार्ट है गाने और म्यूजिक, बाकी पिक्चर की स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन बहुत वीक है, और हद से ज़्यादा वायलेंस दिखाया हुआ है, तो वो अच्छी बात नहीं है। रितेश देशमुख का काम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको शॉर्ट ही दिखाया, जो जरूरी नहीं है, जो जैसा है वैसा ही दिखाना चाहिए था,
और जो हीरोइन है दूसरी जो उसका उसको भी गूंगी दिखाया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, जैसे वैसे ही दिखाते थे पिक्चर अच्छी बनती थी। आपको लगता नहीं है कि 90 के दशक को फिर से दोहराया गया है? हाँ, ये साउथ की फिल्म है ना, उसके लिए सब वो अन्ना वगैरह जो आर्टिस्ट हैं साउथ के हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसे दिखाने से पिक्चर चलेगी नहीं। खाली बेस्ट पार्ट है गाने, म्यूजिक। कितने स्टार देंगे? 5 में से 2। थैंक यू सर।